ये वाली वीडियो एडिट कैसी होगी? सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से जाके अपना लाइट मोशन जो है ऐप वो डाउनलोड कर लेना है। लाइट मोशन ऐप डाउनलोड करने के बाद आपने लाइट मोशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने ये प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाने के बाद ये नीचे आपको प्लस वाला आइकन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। और फिर आपने मीडिया के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई सी अपनी वीडियो जो है ऐड कर लेनी है। तो गाइस मैंने ये वीडियो ऐड कर लिया। उसके बाद फिर आपने प्लस पे क्लिक करना है और ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद कलर पे जाना है और ये वाला कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने बैक आना है, ब्लेंडिंग पे जाना है। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद आपने डिफरेंस पे जाने के बाद सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद इसे आपने पकड़ के ऐसे वीडियो के हिसाब से पूरा कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इफेक्ट पे जाना है, एड इफेक्ट, और उसके बाद आपने पहले कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट वो लगाना है। अगर आपको यहाँ शो नहीं हो रहा तो ऊपर सर्च, इधर से आप सर्च करके कॉपी बैकग्राउंड वाला इफेक्ट ले सकती हैं। सबसे पहले आपने कॉपी बैकग्राउंड वाला सेलेक्ट करना है, उसके बाद इसे आपने छेड़ना नहीं है। फिर आपने इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट, फिर आपने गैसियन ब्लर वाला करना है। ध्यान रहे कि जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे इफेक्ट आगे पीछे हो जाएंगे तो फिर आपने की वीडियो अच्छी एडिट नहीं होगी, उस तरह की नहीं होगी। उसके बाद आपने एक्सपोजर कैमरा पे आ जाना है। तो गैसियन ब्लर पे जाने के बाद इसने आपने 0.250 कर लेना है। 250 करने के बाद आपने बैक आना है, फिर आपने इफेक्ट पे जाना है, एक्सपोजर कैमरा, इसका एक्सपोजर जो है वो माइनस में कर देना है। वीडियो के हिसाब से आप जैसा करना चाहें। देखिए वीडियो कितनी अच्छी हो गई है। तो वीडियो आपकी जो है मुकम्मल एडिट हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ से बैक जाके यहाँ ऊपर शेड वाले से जाके आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है।